पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है, सरकार का पूरा ध्यान रहता है, कुछ अधिकारी उसमें लापरवाही करते हैं। अगली क्या रणनीति रहने वाली है? मुख्यमंत्री से इस संबंध में चर्चा वार्ता करेंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरिओम शर्मा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जिनके आज एक पार्क स्क्वायर होटल में एक बैठक का आयोजन किया गया है। तो उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या मुद्दे रहे हैं इस बैठक के और आगामी किस तरह की रणनीति है, उसी को लेकर आज चर्चा करेंगे हरिओम शर्मा जी। शर्मा जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और जानना चाहेंगे कि आज की बैठक जो आयोजित की गई है वो किस संबंध में? स्नातकों की समस्याओं के लिए, शिक्षकों की समस्याओं के लिए और जो गांव से शहर की ओर पलायन हो रहा है उसको रोकने के संबंध में ये बैठक आयोजित। इसमें क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं कि किस विषय पर आपकी आगामी जो रणनीति है वो रहने वाली? हम सरकार से ये जो है हम बात करेंगे, मांग रखेंगे कि स्नातकों को कौशल प्रदान किया जाए, उनकी शिक्षा स्किल्ड शिक्षा हो और उनको स्वरोजगार के लिए जो है बैंकों द्वारा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए। किस तरह की समस्या अब तक आती है, क्योंकि स्नातकों पर आप काम कर रहे हैं, टीचर्स पर काम कर रहे हैं, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, क्या लगता है? शिक्षकों के संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि अगर कोई शिक्षक किसी कारणवश विद्यालय में लेट हो जाए तो उससे बिना स्पष्टीकरण लिए, बिना उस सत्यता का पता लगाए जो अधिकारी काम करते हैं वो गलत है। पहले सत्यता को जानना चाहिए और तब जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए और जो है उनके जो प्रार्थना पत्र हैं उन पर जो है उनका निस्तारण करने के लिए कुछ समय सीमा निश्चित होनी चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है या जानबूझ कर सरकार इस ओर अनदेखी करती है? सरकार का पूरा ध्यान रहता है, कुछ अधिकारी उसमें लापरवाही करते हैं जिसके कारण जो है अध्यापकों का शोषण होता है। तो अगली क्या रणनीति रहने वाली है? अगली रणनीति हम माननीय मुख्यमंत्री से इस संबंध में चर्चा वार्ता करेंगे और उनसे हम आग्रह करेंगे कि अधिकारियों को ऐसे दिशा निर्देश वो जारी कराएं ताकि जो है जो शिक्षा है वो उसमें सुधार आए और जो है अध्यापकों में डर का माहौल ना हो, वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। क्या मुरादाबाद में या संगठन को और मजबूती देने के लिए किस तरह की कोई नई योजना है या फिर आपने किसी को दायित्व सौंपा है? हाँ, मुरादाबाद में संगठन को मजबूती देने के लिए अभी हमने 2-3 घोषणाएं की हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर अजय राणा जी बिजनौर से हैं, वर्धमान डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं और वो जो है प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व संभालेंगे और महिला विंग में श्रीमती नीलम भुईयार महिला विंग का काम देखेंगी और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भुवनेश्वर जिंदल जी और विधि प्रकोष्ठ में एडवोकेट धीरेन्द्र कुमार जी कार्य देखेंगे। क्या उम्मीद रहेंगे नए कार्यकर्ताओं से या फिर नए संगठन के पदाधिकारी? इन कार्यकर्ताओं से हमें अपेक्षा है कि अधिक से अधिक स्नातकों को अपने से जोड़ें और उनकी जो समस्याएं हैं उन पर काम करें। तो ये थे हमारे साथ में हरिओम शर्मा जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आने वाली जो सरकार है या फिर जो वर्तमान सरकार है उससे शिक्षकों के लिए और स्नातकों के लिए लगातार मांग करते रहेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें लगातार उठाते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक टीवी, मुरादाबाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।